नाम तो सुना होगा। ओके देखो ये लाइट देगी, अरे लाइट है, ये लाइट जल रहा है, यानी ये ट्रिप किया है, ठीक है। तो ट्रिप में क्या क्या है इसको चेक करेंगे। ओके ट्रिप में हम लोग चेक करेंगे। ओके तो ट्रिप में सबसे पहले गैस का प्रेशर देखते हैं और गैस लगा हुआ दिखा। लाइट का मीनिंग है और फास्ट ब्लिंक कर रहा था यानी HP, लेकिन गैस प्रेशर ओके है। तो फैन चेक करना होगा, फैन आपका लूज कनेक्शन, और यहाँ पर HP पे एक और चीज़ चेक करना होगा, इधर आइए, वो है आपका ये ओवरलोड। हाँ कुछ मॉडल में नहीं है, कुछ में है, तो जिसमें ओवरलोड है क्योंकि ये जो आपका है ये हाई साइड पे इसका कनेक्शन है। इफ इन केस अगर वो एम्पियर ज़्यादा लेगा किसी वजह से भी या ये ख़राब होगा तब भी, तो आपका तब भी वो ट्रिप होगा। लेकिन अभी जो आपका जो ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक पे गौर करो, ये फास्ट ब्लिंक कर रहा है। फास्ट ब्लिंक यानी कि आपका HP से ट्रिप हुआ। तो HP से लूज कनेक्शन चेक कीजिए, कंडेंसर कॉयल गंदा है कि नहीं। कंडेंसर कॉयल गंदा नहीं है, साफ़ एकदम क्लीन है, कंडेंसर कॉयल गंदा नहीं, साफ़ है। और नया AC है, अभी बस रिसेंटली कुछ आया है। तो फैन भी सही चल रहा है, फ़ैन को भी चेक कर लीजिए। फैन देखिए ये किसकी वजह से, तो क्यों ये था, ये पहले ना सेटिंग ये लो पे था, है ना, इसका ये लो पे था, 18 पे रखा गया था। ओके ये आपका ये देखिए इसको हाँ इसके हिसाब से रखना है, 18 पे रखा हुआ था क्योंकि अभी जिस तरह का क्लाइमेट बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बहुत हाई है और रेटेड इसके अंदर 15.8 है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ये कर दिए हैं, इंक्रीज किए हैं, और उसके बाद देखिए, और उसके बाद एक और तो पहचान क्या था, ये है ना, ये इस तरफ है, इसको आपको ये पहचान दो, ये इधर होना चाहिए, ये अगर इधर बीच में आ गया है तो ये ट्रिप हो गया। देखो देखा साइड पे आ गया, ये साइड होना चाहिए, ये भी देखो, देखो पता चला साफ दिख रहा था, ये यहाँ इस तरफ राइट में आगे आ गया तो ट्रिप किया हुआ था, ठीक है। हाँ ये दो राइट पे आ गया तो ट्रिप हुआ है, इसी से कन्फर्म था। दोबारा दिखाता हूँ, देखिए ये मिडिल में है या राइट पे है तो वो ट्रिप है। तो उसको ठीक है, साउंड आया, रीसेट किए हैं, दोबारा चेक करेंगे थोड़ा सा उसका सेटिंग, क्योंकि सेटिंग इसका लो पे था, 15.5 इसका रेटेड एम्पियर है, और उसका जो एक्चुअल सेटिंग था वो 17 और 18 में था। तो हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ किए क्योंकि जिस तरह का एम्बियंट, क्योंकि ये भी हीटअप हो रहा है ना, तो उसका भी एक टेम्परेचर होता है ओवरलोड का, कितने टेम्परेचर पर वो सूटेबल है, ठीक है। ओके हम लोग ऑन करते हैं, एक बार रीसेट करते हैं। क्या देखो इसका ब्रेकर नीचे है, इसका मेन ब्रेकर नीचे है, अब नीचे कौन जाएगा, जाने वाला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सीधा वही है ना, तो हम लोग न्यूट्रल को ही निकाल के, क्योंकि फिर उसको फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा फिर रिसेट करने के लिए। तो बार बार हम लोग सब क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए और थोड़ा अपना एनर्जी बचाने के लिए, और देखिए निकाला, लाइट चला गया। ओके लाइट चला गया, बिस्मिल्लाह, चलिए चेक करते हैं फिर बताते हैं, आप अब ब्रेक रोकते हैं। ओके ओके अभी ब्लोअर ऑन हुआ है, 7.9 और 8 ले रहा है, 11.4 इसका रेटेड है, ठीक है। कंप्रेसर ऑन हुआ, अभी देखो कंप्रेसर ऑन हुआ, ठीक है, बंद नहीं हुआ, ठीक है, दोनों हाँ, फैन ऑन हुआ, 13.9 ले रहा, सोचो वही इसको वही है, 16, 17, 18 पे रखा था वो, इसलिए ट्रिप हो रहा था। अब इसका रेंज थोड़ा बढ़ाए हैं, अब बढ़ाना पड़ेगा, वही बोला जिस तरह क्लाइमेट है, यहाँ पर भी एक आपका हीट है ना, आपका 47-48 जा रहा है, तो जाहिर है कि यहाँ 2-3 डिग्री ज़्यादा ही आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा आपका ये पूरा यहाँ गर्मी आपको ज़्यादा होता है। दोनों चालू हुआ, कुछ करना नहीं पड़ा आपको, ठीक है। देखिए 13 है एम्पेयर, 15.5 है, चेक कीजिए एम्पेयर कितना है, रेटेड दोनों कंप्रेसर, 15.5 लोड की वजह से। तो कभी भी इस तरह का हो तो थोड़ा सा रेंज बढ़ा के रखो, हाँ बाकी आप एक्चुअल सब एम्पेयर चेक कर लो, एक्चुअल एम्पेयर प्रेशर दिखाइए, प्रेशर ओके और हाँ कितना है आपका, हाँ अब यहाँ देखो है ना, यहाँ कितना है आपका, 200 है, क्योंकि पूरा AC बंद था, नया पूरा कंडीशन बिल्डिंग है, तो रूम टेम्परेचर बहुत हाई है। एक और रीज़न भी आपको बताते हैं, ये आपका 200 है, आपका लगभग 500 से ऊपर है, 530 तक ऊपर है, ये रीज़न क्योंकि आपका जो रिटर्न है ये आपका रिटर्न बैक आ रहा है, जो हॉट एयर है, जो फैन जो डिस्चार्ज कर रहा है कंडेंसर का, वो रिटर्न बैक आ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर आपको ज़्यादा दिखा रहा है, हाँ तो
जिसने गलत इंस्टॉलेशन किया है, जिसके पास बहुत जगह था उसको थोड़ा ये करके लगा सकता था, या कंडेंसर को बहुत जगह था उसको आप तो 2 फीट अगर वो लेफ्ट साइड में लगाता तो बेहतर था, लेकिन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, ये रिपोर्ट में यह बात को मेंशन किया जाएगा। उसका सेम है सिस्टम 1 सिस्टम 2 दोनों का सेम, इतना गर्म लग रहा है क्योंकि हम लोग जहाँ खड़े हैं मालूम चल रहा है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, अगर आप वहाँ का 40 होगा तो लगभग आपको यहाँ पर 50 से ऊपर है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एक बात और कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैं बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सब टॉपिक पे एक साथ वीडियो नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं डेली कम से कम एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ, बड़ा वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी होता है, लेकिन बड़ा वीडियो जिसमें थोड़ा ज़्यादा मैसेज हो, शॉर्ट वीडियो में थोड़ा छोटा छोटा मैसेज होता है। तो हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, हर टॉपिक से विंडो से लेके चिलर्स तक, लेकिन दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है सब टॉपिक पे एक साथ वीडियो बनाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube में जाएं, HBSC अमजद लिखें, मिला के लिखें, गैप नहीं करें, मिला के लिखें। जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे, सर्च करें, आपको सबसे ऊपर में पहले ही मिलेगा, आपको पहले ही नज़र आ जाएगा, क्लिक करें, यहाँ पर सब्सक्राइब करें, और ये लोगो याद रखें HBSC अमजद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना।